जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर हिंदी साहित्य में। तो सभी लोग आ जाइए, वीडियो को लाइक कर लें, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। रोज अपनी एक क्लास होती है दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे रात्रि में 10 बजे हिंदी साहित्य की अपनी एक क्लास होती है। तो आज का अपने यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, उससे पहले हम आपके लिए बता दें, यहाँ पर हिंदी साहित्य में 215 कवि एवं लेखकों का यहाँ पर जीवन परिचय लेकर आए हैं आपके लिए एक टेस्ट सीरीज के माध्यम से। तो जो भी परचेस करना चाहता है परचेस कर सकते हैं 299 रुपये मात्र में, और इसमें आपके 4700 प्रश्न होंगे। सभी कवि और लेखकों का अलग अलग आपके लिए यहाँ पर जीवन परिचय मिलेगा। हिंदी साहित्य का ये वाला ऐप डाउनलोड करना है जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, इसे आपको डाउनलोड कीजिए। इसी पर आपके लिए टेस्ट सीरीज दी गई है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आज का फर्स्ट क्वेश्चन अपना जो पूछा गया है कि पंत की किस रचना को प्रकृति की चित्रशाला कहा गया है। मैं रचना आपके लिए यहाँ पर बताना है कौन सी वह पंत जी की रचना है जिसको प्रकृति की चित्रशाला कहा गया है। शिल्पा जी और बीनू जी, युगांत है, युगवाणी है, युगांतर है या फिर युगपथ है, ये 4 विकल्प दिए गए हैं और आप सभी का यहाँ पर सही राइट आंसर होगा विकल्प नंबर, नीलम जी 1 सही राइट आंसर है, युगांत। युगांत आपका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही विकल्प नंबर 1 जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर पूछा गया है 52। यशपाल ने जेल से मुक्त होने के बाद कौन सा पत्र निकाला था, वह पत्र आपके लिए बताना है, चयन कीजिएगा। 4 विकल्प दिए गए हैं और इनमें से आपको सही आंसर चयन करना है। यशपाल ने जेल से मुक्त होने के बाद कौन सा पत्र निकाला था, चिंगारी, विप्लव, क्रांति दूत या फिर पतन। तो सही राइट आंसर है आप सभी का यहाँ पर यशपाल, जिनका जन्म जो है 1903 में इनका जन्म हुआ था यशपाल जी का, और इन्होंने एक पत्र निकाला था जिसका नाम था विप्लव, यानी कि विकल्प नंबर आपका भी यहाँ पर सही राइट आंसर होगा, विकल्प नंबर बी आपका बिल्कुल सही राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर दिया गया है 53वां क्वेश्चन पूछा गया है, भगवती चरण वर्मा किन के साथ मिलकर पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से प्रगतिवाद का विरोध करते थे, बताइए, अज्ञे या फिर इलाचंद जोशी या फिर आ ओबादोनो या फिर त्रिलोचन। अभी जी क्या होगा सही राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर अपना यहाँ पर पूछा गया है 53, और 53 का सही राइट आंसर यहाँ पर होगा भगवती चरण वर्मा किन के साथ मिलकर पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से प्रगतिवाद का विरोध करते थे। तो सही राइट आंसर है आ और ब दोनों यहाँ पर सही आंसर होगा, यानी कि अज्ञे के साथ मिलकर और इलाचंद जोशी जी के साथ मिलकर। लखविंदर जी विकल्प नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि इलाचंद जोशी का पहला उपन्यास घृणामयी कब प्रकाशित हुआ। घृणामयी इनका प्रथम उपन्यास माना जाता है, पहला उपन्यास माना जाता है इलाचंद जोशी जी का, और इसका प्रकाशन आपके लिए बताना है क्या माना जाता है, बताइए। इलाचंद जोशी 1903 में इनका भी जन्म हुआ था इलाचंद जोशी जी का अल्मोड़ा उत्तराखंड में, और इनका प्रथम उपन्यास जो घृणामयी है ये प्रकाशित हुआ था 1929 में। कब प्रकाशित हुआ था, 1929 आपका यहाँ पर विकल्प नंबर बी यहाँ पर सही राइट आंसर होगा। प्रवीण जी बिल्कुल सही राइट आंसर है, बी जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है उनका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 55 यहाँ पर पूछा गया है, लक्ष्मी नारायण मिश्र का लोकप्रिय नाटक जिसमें अभिमन्यु की कथा है, बताइए कौन सा वह नाटक है, चयन कीजिएगा। 4 विकल्प दिए गए हैं, राक्षस का मंदिर, चक्रव्यूह या फिर सिंदूर की होली या फिर अपराजिता। लक्ष्मी नारायण मिश्र जी का वह लोकप्रिय नाटक बताना है जिसमें अभिमन्यु की कथा है। तो आप सभी का यहाँ पर सही राइट आंसर होगा, क्या राइट आंसर, विकल्प नंबर 2 सही आंसर है, चक्रव्यूह। चक्रव्यूह सही राइट आंसर लगा देते हैं, बिल्कुल सही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है, विकल्प नंबर बी जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर आपका 56 क्या पूछा गया है, देखिए
56वां क्वेश्चन पूछा गया है कि भारतीय तट रक्षक सेना ने अपने जहाज बेड़े का नाम सुभद्रा कुमारी चौहान किस वर्ष रखा था, बताइए। क्या होगा सही राइट आंसर? ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, 56वां क्वेश्चन है, 2006 में, 2007 में, 2008 में या फिर 2009 में। और आप सभी का सही राइट आंसर होगा यहाँ पर सुभद्रा कुमारी चौहान, जिनका जन्म 1904 में हुआ था। सुभद्रा कुमारी चौहान जी का जन्म ग्वालियर मध्य प्रदेश में, और जो है इन्होंने इनके नाम पर एक जो है जहाज बेड़े का नाम रखा था, कब? 2006 में। विकल्प नंबर आपका एक यहाँ पर सही राइट आंसर होगा, विकल्प नंबर एक जिन्होंने भी चयन किया है उनका सही राइट आंसर होगा नीतू जी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 57 क्या पूछा गया है। वासुदेव शरण अग्रवाल ने महाभारत की कथा का सार किस जो है कथा का सार रूप किस पुस्तक में प्रस्तुत किया है, कल्प वृक्ष में या फिर उरु ज्योति में, भारत सावित्री में या फिर पाणी में। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है विनोद जी, क्या होगा सही राइट आंसर? 57वां क्वेश्चन है और आप सभी का सही राइट आंसर है 57 का विकल्प नंबर 3 सही राइट आंसर है, यानी कि भारत सावित्री यहाँ पर सही आंसर होगा, भारत सावित्री सही आंसर लगा दें सभी लोग। विकल्प नंबर सी आप सभी का बिल्कुल सही आंसर होगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि रामकुमार वर्मा की रचना चारुमित्रा की विधा बताना है, बताइए किस विधा की रचना मानी जाती है चारुमित्रा। रामकुमार वर्मा हिंदी एकांकी के जनक माने जाते हैं रामकुमार वर्मा, और आप सभी का यहाँ पर सही राइट आंसर है ये काव्य है, एकांकी है, कहानी है या फिर उपन्यास है। तो ये जो है एकांकी विधा की रचना मानी जाती है, विकल्प नंबर आपका बी यहाँ पर सही राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही विकल्प नंबर बी जिन्होंने भी चयन किया है उनका सही राइट आंसर होगा, छायावाद युग के रचनाकार माने जाते हैं रामकुमार वर्मा जी, बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर दिया गया है 58वां क्वेश्चन हो गया, 59वां क्वेश्चन है, कौन सा उपन्यास जैनेन्द्र कुमार ने ऋषभ देव जैन के साथ मिलकर लिखा था, बताइए, मुक्तिबोध या फिर तपोभूमि या फिर परख या फिर त्यागपत्र। अनुका जी क्या होगा सही राइट आंसर? चार विकल्प दिए गए हैं और आप सभी का सही राइट आंसर होगा, कौन सा वह उपन्यास है जो जैनेन्द्र जी ने ऋषभ देव जैन के साथ मिलकर लिखा था, विकल्प नंबर आपका यहाँ पर भी राइट आंसर होगा तपोभूमि, तपोभूमि आपका यहाँ पर सही राइट आंसर है, बिल्कुल सही विकल्प नंबर दो जिन्होंने भी चयन किया है उनका सही राइट आंसर होगा, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर दिया गया है 60वां क्वेश्चन क्या पूछा गया है, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का रिपोर्टाज बताना है, कौन सा रिपोर्टाज कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी का है। क्षण बोले कण मुस्काए, मह के आंगन चहके द्वार या फिर जिए तो ऐसे जिए या फिर माटी हो गई सोना, बताइए सागर जी। बिल्कुल महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का रिपोर्टाज आपके लिए बताना है और आप सभी का यहाँ पर सही राइट आंसर होगा, विकल्प नंबर क्या है राइट आंसर? एक सही आंसर होगा क्षण बोले कण मुस्काए, क्षण बोले कण मुस्काए वाला विकल्प जो है आपका सही आंसर होगा, ये प्रभाकर जी का रिपोर्टाज माना जाता है, बिल्कुल सही आंसर, सभी लोगों ने यहाँ पर सही आंसर चयन किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी साहित्य के प्रथम सौंदर्यवादी आलोचक कौन माने जाती हैं, हिंदी साहित्य के पूछा है, चयन कीजिएगा सही राइट आंसर क्या होगा, नंद दुलारे वाजपेयी या फिर नामवर सिंह, डॉक्टर नगेंद्र या फिर रामविलास शर्मा। तन्मय जी क्या है सही आंसर क्वेश्चन नंबर 61 का, चयन कीजिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है विकल्प नंबर एक यानी कि नंद दुलारे वाजपेयी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, नंद दुलारे वाजपेयी जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा, ये सौंदर्यवादी आलोचक माने जाते हैं, बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 62 क्या पूछा गया है, सोहनलाल द्विवेदी ने अधिकतर काव्य रचनाएं किस प्रकार की लिखी हैं, राष्ट्रवादी, मनोविश्लेषणात्मक, किस्सा गोई या फिर सामाजिक। सोहनलाल द्विवेदी की पूछा है आपसे यहाँ पर और आप सभी का यहाँ पर सही राइट आंसर होगा
इन्होंने लिखी है, किस प्रकार की रचनाएं लिखी है, चयन कीजिएगा। और सही आंसर है सोनलाल द्विवेदी का, यहाँ पर विकल्प नंबर एक सही आंसर होगा, इन्होंने राष्ट्रवादी रचनाएं लिखी हैं, विकल्प नंबर एक सही राइट आंसर है 62 का प्रिया वर्मा जी, बिल्कुल सही आंसर है, जिन्होंने ए चयन किया है उन सभी का यहाँ पर सही राइट आंसर होगा राष्ट्रवादी। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 63 पूछा गया है, महादेवी वर्मा को किस साहित्यिक युग की शक्ति कहा जाता है, क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। महादेवी वर्मा जिनका जन्म 1907 में माना जाता है, इनका जन्म 1907 में इनका जन्म हुआ महादेवी वर्मा का, और किस साहित्यिक युग की शक्ति कहा जाता है, छायावाद, द्विवेदी युग, प्रगतिवाद या फिर प्रयोगवाद। क्वेश्चन नंबर 63 है और 63 का सही आंसर आ रहा है छायावाद, विकल्प नंबर एक आपका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही छायावाद यहाँ पर सही आंसर है आप सभी का। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 64 दिया गया है, देखिए क्या पूछा गया है, श्याम नारायण पांडे के किस काव्य में चित्तौड़ की महारानी पद्मिनी के जौहर का वर्णन है, वह काव्य आपके लिए बताना है श्याम नारायण पांडे जी का, कौन सा वह काव्य है, चयन कीजिएगा, त्रेता के दो वीर, जौहर, तुमुल या फिर हल्दी घाटी। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है, 64वां क्वेश्चन है और आप सभी का सही राइट आंसर होगा 64 में विकल्प नंबर डी राइट, बी राइट आंसर होगा, यानी कि बी में आपका सही राइट आंसर है जौहर, जौहर आपका यहां पर बिल्कुल सही राइट आंसर होगा। जौहर एक काव्य माना जाता है जिसका प्रकाशन क्या माना जाता है, 1944 इसका प्रकाशन माना जाता है जौहर का, बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 65 पूछा गया है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस उपन्यास में राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन की अभिव्यक्ति है, बताइए, अनामदास का पोथा में, बाणभट्ट की आत्मकथा, चारू चंद्र लेख या फिर पुनर्नवा। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का वह उपन्यास आपके लिए बताना है जिसमें राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन की अभिव्यक्ति है, तो आप सभी का बिल्कुल सही राइट आंसर है यहाँ पर विकल्प नंबर बी सही आंसर है, बाणभट्ट की आत्मकथा, बाणभट्ट की आत्मकथा यहाँ पर सही आंसर होगा विकल्प नंबर बी, जिन्होंने भी चयन किया है उनका सही राइट आंसर है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, आप इसका आंसर कमेंट में जरूर बताएं। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 66 है, हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा का तीसरा भाग आपके लिए बताना है कौन सा है, क्या बोलूं क्या याद करूं, नीण का निर्माण, फिर बसेरे से दूर या फिर दस द्वार से सोपान तक, चयन कीजिएगा, सही राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा, इनमें से आपको चयन करना है। और आप सभी का सही राइट आंसर है हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा का तीसरा भाग, पूछा है तन्नू जी, बसेरे से दूर आपका सही राइट आंसर होगा विकल्प नंबर सी, यहाँ पर जिन्होंने भी चयन किया है उनका सही आंसर है। तन्मय जी ने बताया कि अब्दुल रहमान को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी का प्रथम कवि माना है, बिल्कुल सही राइट आंसर है। और हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा का तीसरा भाग पूछा है जो कि माना जाता है कौन सा, बसेरे से दूर आपका बिल्कुल सही राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर आपका 67 पूछा गया है कि इनमें से कौन सा काव्य केदारनाथ मिश्र प्रभात का नहीं है, बताइए, बिल्कुल बहुत बढ़िया, सभी ने यहाँ पर सही आंसर चयन किए हैं, क्या होगा क्वेश्चन नंबर 67 का सही आंसर, चयन कीजिएगा। और आप सभी का सही राइट आंसर है विकल्प नंबर यहाँ पर डी राइट आंसर है युगाधार, युगाधार यहाँ पर सही आंसर होगा। इनमें से कौन सा काव्य केदारनाथ मिश्र प्रभात का नहीं है, तो युगाधार आपका यहाँ पर बिल्कुल सही राइट आंसर है विकल्प नंबर डी, आप सभी का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 68 दिया गया है कि चीन भारत के युद्ध के संदर्भ में दिनकर का काव्य बताना है, कौन सा काव्य माना जाता है, चयन कीजिएगा। चार विकल्प दिए गए हैं, रामधारी सिंह दिनकर जो कि राष्ट्रीय काव्यधारा के कवि माने जाते हैं, रामधारी सिंह दिनकर 1908 में दिनकर जी का जन्म हुआ, और चीन भारत के युद्ध के संदर्भ में दिनकर का काव्य कौन सा माना जाता है, तो सही राइट आंसर है परशुराम की प्रतीक्षा।
परशुराम की प्रत्यक्षा यानी कि विकल्प नंबर आपका सी यहाँ पर सही राइट आंसर होगा। बिल्कुल सही राइट आंसर है सी, जिन्होंने चयन किया है उनका सही आंसर होगा। बहुत बढ़िया, यहाँ पर बबीता जी, कन्हैया लाल जी, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 पूछा गया, हरिकृष्ण प्रेमी के किस नाटक में मजदूरों और पूंजीपतियों के वर्ग संघर्ष को जो है दर्शाया गया है। भाई नाटक आपको बताना है, प्रतिशोध है, बंधन है, स्वप्न भंग है या फिर विस्पान है। हरिकृष्ण प्रेमी जी का पूछा है, भाई नाटक आपको बताना है जिसमें मजदूरों और पूंजीपतियों के वर्ग संघर्ष को दर्शाया गया है। तो आप सभी का यहाँ पर सही राइट आंसर होगा विकल्प नंबर, क्या होगा सही राइट आंसर, ए। आपका यहाँ पर बी राइट आंसर है बंधन। हरिकृष्ण प्रेमी जो है एक नाटककार के रूप में जाने जाते हैं, मुख्यतः नाटककार हैं हरिकृष्ण प्रेमी, और इनका एक नाटक है बंधन, जिसमें इस नाटक में मजदूरों और पूंजीपतियों के वर्ग संघर्ष को दर्शाया गया है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर आपका 70 है, किसने लिखा है कि उपेंद्रनाथ अस्क पहले ऐसे नाटककार हैं जिन्होंने हिंदी नाटक को रोमांस के कटघरे से निकालकर आधुनिक भावबोध से जोड़ा है। बताइए, ये आपको चयन करना है, ये किसने लिखा है, रामचंद्र शुक्ल ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, डॉक्टर नगेंद्र ने या बच्चन सह ने। महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है और आप सभी का सही राइट आंसर है डॉक्टर बच्चन सह, आपका यहाँ पर सही आंसर है डॉक्टर बच्चन सह ने लिखा है, बिल्कुल सही विकल्प। नहीं, यहाँ पर आपका होगा राइट आंसर डॉक्टर नगेंद्र होगा सही राइट आंसर, यानी कि विकल्प नंबर सी होगा सही आंसर, डॉक्टर नगेंद्र जिन्होंने चयन किया है उनका यहाँ पर सही राइट आंसर है, डॉक्टर नगेंद्र होगा सही आंसर। इन्होंने लिखा है उपेंद्रनाथ अस्क ऐसे पहले नाटककार हैं जिन्होंने हिंदी नाटकों को रोमांस की कटघरी से निकालकर आधुनिक भावबोध से जोड़ा है। शेखर एक जीवनी उपन्यास का प्रथम भाग कब प्रकाशित हुआ, बताइए। शेखर एक जीवनी, ये आपको चयन करना है, कल्पना जी, रमा जी, क्या होगा सही राइट आंसर, रोज सिंह जी चयन कीजिएगा। शेखर एक जीवनी, ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण पूछा गया है आपसे और आप सभी का सही राइट आंसर होगा शेखर एक जीवनी, ये उपन्यास और इसका जो प्रथम भाग है वह प्रकाशित हुआ था कब, 1944 में, 1943 में, 1942 में, 1941 में। तो विकल्प नंबर आपका यहाँ पर जो सही राइट आंसर है 1941 आपका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा, विकल्प नंबर डी जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा, राधा शर्मा जी, डी वाला विकल्प जिन्होंने भी चयन किया है उनका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 72 है, नागार्जुन जी के किस उपन्यास में बरगद को बचाने के लिए किसानों के संघर्ष की कहानी है, वह आपके लिए बताना है, वह कौन सा उपन्यास है, बाबा बटेश्वरनाथ, रतिनाथ की चाची, वरुण के बेटे या फिर इमरतिया, चयन कीजिएगा क्या होगा सही राइट आंसर। तो सही राइट आंसर होगा आप सभी का यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 72 में नागार्जुन जी का वह उपन्यास बताना है, तो वह उपन्यास कौन सा है, तो वह उपन्यास है बाबा बटेश्वरनाथ, आपका विकल्प नंबर एक जो है यहाँ पर सही राइट आंसर होगा, विकल्प नंबर एक जिन्होंने भी चयन किया है उनका सही राइट आंसर है, बिल्कुल सही। लाइक अवश्य करते जाइएगा सभी लोग जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, लाइक अवश्य कर लें। क्वेश्चन नंबर आपका 73 यहाँ पर पूछा गया, शमशेर बहादुर सिंह को किस उपमा से विभूषित किया जाता है, ये तो सभी के लिए बन जाएगा, सभी से बन जाएगा, चयन कीजिएगा। अनिल का कवि कहा जाता है, कवियों का कवि कहा जाता है, फैंटेसी का कवि कहा जाता है या फिर जादूगर कहा जाता है। शमशेर बहादुर से अज्ञे के किस सप्तक में इनकी कविताएं प्रकाशित हुई हैं, दूसरे सप्तक में शमशेर बहादुर सिंह जी की, और इनको जो है किस उपमा से विभूषित किया जाता है, तो आप सभी का सही राइट आंसर है इनको कवियों का कवि कहा जाता है अज्ञे जी को, बिल्कुल सही राइट आंसर है विकल्प नंबर बी, आप सभी का सही राइट आंसर होगा कवियों का कवि कहा जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, किस काव्य रचना में केदारनाथ अग्रवाल ने अपनी पत्नी के लिए प्रेममयी कविताएं लिखी हैं, चयन कीजिएगा क्या होगा सही आंसर, नींद के बादल, हे मेरी तुम, फूल नहीं रंग बोलते हैं या फिर अपूर्वा,
चयन कीजिएगा। चार विकल्प आपके दिए गए। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि किस काव्य रचना में केदारनाथ अग्रवाल ने अपनी पत्नी के लिए प्रेममयी कविताएं लिखी हैं। तो आप सभी का सही राइट आंसर है विकल्प नंबर दो, यानी कि हे मेरी तुम, आपका यहां पर सही राइट आंसर होगा। हे मेरी तुम आपका बिल्कुल सही राइट आंसर है। केदारनाथ अग्रवाल को साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था 1986 में इनको जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, केदारनाथ अग्रवाल जी को। किस रचना के लिए? अपूर्वा रचना के लिए। अपूर्वा रचना याद रखिए, इस पर जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर पूछा गया है 75। रामविलास शर्मा की आलोचना को ध्वंसात्मक आलोचना किसने कहा है? 75वां क्वेश्चन चयन कीजिएगा। और आप सभी का सही राइट आंसर है डॉक्टर नगेंद्र नंद दुलारी वाजपेयी, शिवदान सिंह चौहान या फिर नामवार सिंह। तो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर यहां पर 75 पूछा गया है, और 75 का आपका जो सही राइट आंसर है वह विकल्प नंबर तीन, यानी कि शिवदान सिंह चौहान सही राइट आंसर होगा। शिवदान सिंह चौहान रामविलास शर्मा की आलोचना को ध्वंसात्मक आलोचना किसने कहा है? शिवदान सिंह चौहान ने कहा है, विकल्प नंबर तीन आपका सही राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, विष्णु प्रभाकर ने प्रेमचंद के किस उपन्यास का चंद्रहार नाम से नाट्य रूपांतरण किया था? किन्होंने? विष्णु प्रभाकर ने, बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका 76 पूछा गया है, और 76 का सही राइट आंसर क्या होगा चयन कीजिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, लखविंदर जी बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। लाइक अवश्य करते जाइएगा सभी लोग जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है। और विष्णु प्रभाकर ने प्रेमचंद के किस उपन्यास का चंद्रहार नाम से नाट्य रूपांतरण किया था? तो सही आंसर है गबन। यहाँ पर विकल्प नंबर तीन जो है, सी जो है वह राइट आंसर होगा। गबन सही आंसर लगा देते हैं, बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, नरेंद्र शर्मा का काव्य प्रभात फेरी का प्रकाशन वर्ष बताना है। जो प्रभात फेरी है पूछा जाता है, प्रभात फेरी का प्रकाशन वर्ष बताना है, नरेंद्र शर्मा जी का काव्य है, क्या होगा सही राइट आंसर? और आप सभी का यहां पर सही राइट आंसर है, यहाँ पर नरेंद्र शर्मा का पूछा है, प्रभात फेरी का प्रकाशन वर्ष 1938 माना जाता है, यानी कि विकल्प नंबर एक आपका सही राइट आंसर होगा। जो नरेंद्र शर्मा है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है, फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम के गाने किसने लिखे हैं? तो जो नरेंद्र शर्मा है, इन्होंने ही इस फिल्म के गाने लिखे थे, सत्यम शिवम सुंदरम के, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है यहाँ पर 78वां क्वेश्चन है, मानसरोवर के दिन काव्य किस रचना किसकी मानी जाती है? मानसरोवर के दिन, बताइए। भवानी प्रसाद मिश्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र या फिर डॉक्टर बच्चन सिंह। तो आप सभी का सही आंसर है मानसरोवर के दिन काव्य रचना किसकी मानी जाती है? तो बिल्कुल सही आंसर है, ये रचना मानी जाती है किनकी? सुनील जी विकल्प नंबर एक सही आंसर होगा, भवानी प्रसाद मिश्र। भवानी प्रसाद मिश्र सही आंसर लगा दें सभी लोग, इन्हीं की रचना मानी जाती है, भवानी प्रसाद मिश्र जी की रचना मानी जाती है। एक इनके लिए जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था, भवानी प्रसाद मिश्र जी के लिए, बुनी हुई रस्सी के लिए। बुनी हुई रस्सी के लिए इनको 1972 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 79 पूछा गया है, रामेश्वर शुक्ल अंचल का जन्म कब हुआ? रामेश्वर शुक्ल अंचल चयन करना है, इनका जन्म कब हुआ? और आप सभी का सही राइट आंसर क्या होगा? पूछा जाता है क्वेश्चन, रामेश्वर शुक्ल अंचल जो हैं किस काव्यवाद के प्रवर्तक हैं? मांसलवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं रामेश्वर शुक्ल अंचल। और इनका जन्म पूछा है आपसे, तो इनका जन्म हुआ था कब? आप सभी का राइट आंसर है 1915 ईस्वी में, फतेहपुर उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था, रामेश्वर शुक्ल अंचल जी का, मांसलवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। क्वेश्चन आपका यहाँ पर 80वां क्वेश्चन पूछा गया है, देखिए, डॉक्टर नगेंद्र की प्रथम कविता आपके लिए बताना है बनमाला है, जीवन के गान है, युग के मूल है या फिर प्रलय सृजन है, चयन करना है सही आंसर क्या होगा? सही आंसर, चार विकल्प दिए गए हैं, डॉक्टर नगेंद्र
डॉक्टर नगेंद्र की प्रथम कविता बताना है और आप सभी का सही राइट आंसर क्या होगा। डॉक्टर नगेंद्र एक आलोचक माने जाते हैं, किस युग के? छायावाद युग के जो हैं, छायावाद के आलोचक माने जाते हैं। और पूछा जाता है किस काव्य के लोकप्रिय आलोचक हैं डॉक्टर नगेंद्र? छायावाद के। और इनकी प्रथम कविता वनमाला मानी जाती है। विकल्प नंबर एक आपका यहाँ पर सही राइट आंसर है। संदीप जी बिल्कुल सही, आरती जी, ऋता जी, जिन्होंने विकल्प नंबर एक चयन किया है उनका सही आंसर होगा। देश विभाजन के बाद भीष्म साहनी कहाँ रहने लगे थे? भीष्म साहनी पूछा है, चयन करना है, सही आंसर क्या होगा बताइए, अमृतसर में, लुधियाना में, पटियाला में या फिर जालंधर में? देश विभाजन के बाद पूछा है भीष्म साहनी कहाँ रहने लगे थे। क्वेश्चन नंबर 81 है और आप सभी का सही राइट आंसर है, ये रहने लगे थे अमृतसर में। कहाँ पर? अमृतसर आपका यहाँ पर बिल्कुल सही राइट आंसर होगा। विकल्प नंबर एक जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही राइट आंसर है। तमस, और ये जो है इनकी रचना मानी जाती है, उपन्यास विधा की रचना है तमस, जिसके लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। कब दिया गया था? 1975 में। बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर आपका 82 पूछा गया है, अमृतलाल नांगर की समस्त रचनाओं का संकलन, अमृतलाल नांगर रचनावली का संपादन किसने किया? आनंद प्रकाश त्रिपाठी ने, कुमुद नागर ने, ज्ञानचंद्र जैन ने या डॉक्टर शरद नागर ने? बताइए क्या होगा सही आंसर। रेशु त्यागी जी, क्वेश्चन महत्वपूर्ण है कार्तिक जी, और आप सभी का यहाँ पर सही राइट आंसर होगा। हाँ तन्मय जी, प्रियंका जी आएंगे, जो है प्रैक्टिस करिए तो बनने लगेंगे ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपका 82 पूछा गया है, अमृतलाल नांगर की समस्त रचनाओं का संकलन, अमृतलाल नांगर रचनावली का संपादन किया था डॉक्टर शरद नागर ने, यानी कि विकल्प नंबर डी आपका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा। बिल्कुल सही, विकल्प नंबर डी आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस शिव मंगल सह सुमन किस दूतावास में अध्यक्ष भी रहे हैं? कौन? शिव मंगल सह सुमन, चयन करना है, चार विकल्प आपके दिए गए हैं और आप सभी का यहाँ पर सही राइट आंसर होगा। शिव मंगल सह सुमन मालदीप, दुबई, काठमांडू, मास्को, तो ये जो है किस दूतावास में अध्यक्ष भी रहे हैं? तो काठमांडू आपका यहाँ पर विकल्प नंबर जो 3 है वह सही राइट आंसर होगा। बिल्कुल सही, मिट्टी की वारात इनका ये काव्य माना जाता है, मिट्टी की वारात से मंगल से समन का, और ये जो है काठमांडू दूतावास में अध्यक्ष भी रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर आपका 84 दिया गया है, अब अभिव्यक्ति के सारे खतरे उठाने ही होंगे, तोड़ने होंगे मठ और गण सभी, प्रसिद्ध पंक्ति के रचनाकार कौन माने जाते हैं? 84वां क्वेश्चन दिया गया है, ये पंक्ति रघुवीर सहाय की है, निराला की है, मुक्ति बोध जी की रचना पंक्ति है या फिर नागार्जुन, बताइए। तोड़ने ही होंगे मठ और गण सभी, ये पंक्ति पूछी जाती है, बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति मानी जाती है, किनकी मानी जाती है? तो ये मानी जाती है मुक्ति बोध जी की। विकल्प नंबर आपका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा, मुक्ति बोध आपका सही राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 85 दिया गया है, जगदीश चंद्र माथुर के किस नाटक में पौराणिक पात्र राजा पृथु की समस्या को जवाहरलाल नेहरू से जोड़कर प्रस्तुत किया गया है? जगदीश चंद्र माथुर जी का वह नाटक आपके लिए बताना है, शारदिया है, कोणार्क है, 10 तस्वीरें या फिर पहला राजा, चयन करना है, सही आंसर क्या होगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आप सभी का यहाँ पर सही राइट आंसर है। जो जगदीश चंद्र माथुर है मूल रूप से एक नाटककार के रूप में जाने जाते हैं और इनका एक नाटक है जिसमें पौराणिक पात्र पृथु की समस्या को जवाहरलाल नेहरू से जुड़कर प्रस्तुत किया गया पहला राजा में, पहला राजा आपका विकल्प नंबर डी जो है सही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, तार सप्तक के लोकप्रिय कवि प्रभाकर माचवे का निधन कब हुआ? इनका निधन आपके लिए बताना है, इनका निधन कब हुआ, चयन कीजिएगा, चार विकल्प आपके दिए गए हैं, 1990 में, 1991 में, 1992 में, 1993 में। प्रभाकर माचवे जो कि
ये पूछा जाता है किस काव्य धारा के कवि माने जाते हैं, तो प्रयोगवाद के कवि माने जाते हैं प्रभाकर माचवे, और ये तार सप्तक के लोकप्रिय कवि हैं। इनका जन्म 1917 में इनका जन्म हुआ था और निधन हुआ था इनका 1991 में। विकल्प नंबर आपका यहाँ पर बी जो है सही राइट आंसर होगा। विकल्प नंबर बी जिन्होंने चयन किया है उनका सही राइट आंसर है, बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर क्या पूछा गया है, 87वां क्वेश्चन दिया गया है। हिंदी साहित्य के वह कवि जिन्होंने अंग्रेजी के सोनेट छंद को हिंदी में प्रतिष्ठापित किया है, ये क्वेश्चन तो सभी से बन जाएगा। त्रिलोचन है, मुक्ति बोध है, शमशेर बहादुर से है या फिर नागार्जुन है, चयन कीजिएगा क्वेश्चन नंबर 87 का सही राइट आंसर। हिंदी साहित्य का वह कौन से कवि है अंग्रेजी के सोनेट छंद को जिन्होंने हिंदी में प्रतिष्ठापित किया है, तो सही आंसर है त्रिलोचन। त्रिलोचन आपका सही राइट आंसर होगा, विकल्प नंबर एक सही आंसर है। हाँ तनु जी बिल्कुल, जन्म और निधन भी याद रखिएगा। और क्वेश्चन आपका यहाँ पर जो त्रिलोचन है वह आपका सही आंसर है। त्रिलोचन की बात करें तो 1917 में इनका भी जन्म हुआ था त्रिलोचन जी का। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर अगला क्या दिया गया है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 पर दिया गया है यहाँ पर ये रहा, गिरिजा कुमार माथुर का प्रथम काव्य संग्रह बताना है। गिरिजा कुमार माथुर और इनका प्रथम काव्य संग्रह की बात करें तो मंजीर है, नास और निर्माण, शिलापंख चमकीले या फिर धूप के धान, तो आप सभी का सही राइट आंसर होगा यहाँ पर विकल्प नंबर जो एक है मंजीर, वह आपका सही आंसर होगा। मंजीर जो है गिरिजा कुमार माथुर जी का प्रथम काव्य संग्रह माना जाता है, जिसका प्रकाशन 1941 माना जाता है, इसका प्रकाशन 1941 माना जाता है, बिल्कुल सही। और इनके लिए गिरिजा कुमार माथुर जी के लिए जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था, मैं हूँ भक्त के सामने ये रचना गिरिजा कुमार माथुर जी की मानी जाती है, जिसके लिए 1991 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, कन्हैयालाल सेठिया की पहली पुस्तक बताना है कौन सी मानी जाती है, बताइए कौन सी मानी जाती है, तो 89वां क्वेश्चन है और इसका सही आंसर बता देते हैं रमणिया रा सौठा विकल्प नंबर एक होगा सही आंसर। रमणिया रा सौठा जो है कन्हैयालाल सेठिया की पहली पुस्तक मानी जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा काव्य भारत भूषण अग्रवाल का नहीं है, वह आपके लिए बताना है, क्या होगा सही आंसर, ओ आ प्रस्तुत मन, उतना वह सूरज है, नाश और निर्माण या फिर अग्निलीक, चयन करना है सही आंसर क्या होगा। चार विकल्प दिए गए हैं और आप सभी का यहाँ पर सही राइट आंसर यहाँ पर नाश होगा, यहाँ पर नाथ लिख गया है, नाश होगा यहाँ पर। तन्मय जी बिल्कुल, क्वेश्चन नंबर आपका 90 है और 90 का राइट आंसर है नाश और निर्माण। ये जो है नाश और निर्माण जो है ये भारत भूषण अग्रवाल जी का काव्य नहीं माना जाता है, बिल्कुल सही राइट आंसर है। विकल्प नंबर तीन जिन्होंने चयन किया है उनका सही आंसर अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर बच्चन सेन ने किस पत्रिका का एक दशक तक अवैतनिक संपादन किया था, कोई वेतन नहीं लिया था इन्होंने, एक दशक तक अवैतनिक इन्होंने संपादन किया था, वह पत्रिका आपके लिए बताना है कौन सी वह पत्रिका है, हंस है, आलोचना है, नागरी प्रचारणी है या फिर निकास है, ये चार विकल्प दिए गए हैं। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, 91वां क्वेश्चन, एक बार लाइक अवश्य कर लेंगे सभी लोग जिन्होंने लाइक अभी तक नहीं किया है, सतीश जी लाइक कर ले वीडियो को, और आप सभी का सही आंसर होगा नागरी प्रचारणी। नागरी प्रचारणी आपका सही राइट आंसर है, विकल्प नंबर सी जिन्होंने भी चयन किया है उनका सही राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर दिया गया है 92वां क्वेश्चन पूछा गया, फणीश्वरनाथ रेणु की आत्मकथा बताना है, इनकी आत्मकथा कौन सी है, एक श्रावणी दोपहर की धूप, वन तुलसी की गंध, बट बाबा या फिर आत्म परिचय, क्वेश्चन नंबर 92 है और 92 का सही राइट आंसर यहाँ पर होगा फणीश्वरनाथ रेणु की आत्मकथा। धरती के धनी कहा जाता है फणीश्वरनाथ रेणु जी को, धरती का धनी, और इनकी जो आत्मकथा है वह कौन सी है, तो आप बिल्कुल सही राइट आंसर होगा विकल्प नंबर चार यानी कि आत्म परिचय सही आंसर है।
आत्म परिचय सही राइट आंसर होगा। विकल्प नंबर चार जिन्होंने भी चयन किया है उनका सही राइट आंसर होगा वन तुलसी की गंध जो है ये इनका संस्मरण माना जाता है वन तुलसी की गंध। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 93 पूछा गया है अमृत राय ने अपने पिता प्रेमचंद जी की जीवनी किस नाम से लिखी थी। इतना सरल क्वेश्चन पूछा गया है सभी से बन जाएगा बताइए, कलम का जादूगर, कलम का मजदूर, कलम का सिपाही या फिर कलम का राजा, क्या होगा सही आंसर चयन कीजिएगा भावना जी, संगीता जी। अमृत राय ने अपने पिता प्रेमचंद जी की जीवनी जो है किस नाम से लिखी थी, तो आप सभी का सही राइट आंसर होगा यहाँ पर, क्या होगा राइट आंसर, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और बिल्कुल सही आंसर चयन किया है कलम का सिपाही यहाँ पर सही आंसर होगा 93 में। विकल्प नंबर सी होगा सही आंसर, कलम का सिपाही सही आंसर है, बिल्कुल सही राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 94 पूछा गया है नरेश मेहता की जीवनी महिमा मेहता ने किस नाम से लिखी थी, एकांत पुरुष, स्मृति पुरुष, उत्सव पुरुष या फिर प्रस्थान पुरुष, चार विकल्प दिए गए इनमें से आपको चयन करना है। नरेश मेहता की जीवनी लिखी थी किन्होंने, महिमा मेहता ने, किस नाम से लिखी थी चयन कीजिएगा, चार विकल्प है महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आप सभी का सही राइट आंसर है उत्सव पुरुष, उत्सव पुरुष आपका सही आंसर होगा। नरेश मेहता जो कि 1922 में इनका जो है जन्म हुआ था नरेश मेहता जी का और इनकी जीवनी लिखी थी महिमा मेहता ने उत्सव पुरुष नाम से, विकल्प नंबर सी आप सभी का बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 95 पूछा गया है बिहारी के जीवन पर आधारित उपन्यास कौन सा है, चयन कीजिएगा बिहारी के जीवन पर पूछा है कौन सा उपन्यास आधारित है, मेरी भाव बाधा हरो या यशोधरा जीत गई, धूप का धुआं या फिर देवकी का बेटा, तो आप सभी का सही राइट आंसर यहां पर होगा क्वेश्चन नंबर 95 में, क्या होगा सही राइट आंसर, चार विकल्प दिए गए हैं और बिल्कुल सही आंसर यहां पर सभी लोग बता रहे हैं कि विकल्प नंबर एक सही आंसर है, मेरी भाव बाधा हरो जो है विकल्प नंबर एक आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहां पर पूछा गया है क्वेश्चन नंबर यहां पर 96 व क्वेश्चन क्या दिया गया है देखते हैं, 96 व क्वेश्चन है यहाँ पर कि इनमें से कौन सा काव्य रामदास मिश्र का नहीं है, नहीं बताना है आपके लिए, नहीं चयन करना है, रात का सफर, तट की खोज, सूखता हुआ तालाब या फिर बीच का समय, क्वेश्चन नंबर 96 है। सभी लोग लाइक शेयर करते जाइएगा वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे, रोज अपनी रात्रि में एक क्लास होती है 10 बजे और यहाँ पर रामदास मिश्र का काव्य नहीं बताना है, तो राइट आंसर है तट की खोज, विकल्प नंबर दो आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, बिल्कुल सही राइट आंसर है तट की खोज जिन्होंने चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 97 यहाँ पर दिया गया है कौन सी रचना हरिशंकर परसाई का संस्मरण है बताइए, विकलांग श्रद्धा का दौर या फिर हम एक उग्र के उम्र के वाकिफ हैं या फिर तुलसीदास चंदन गैसे या फिर आवारा भीड़ के खतरे, 97 क्वेश्चन पूछा गया है महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आप सभी का यहाँ पर सही राइट आंसर क्या होगा, तो बिल्कुल सही यहाँ पर उम्र लिखा है, उग्र हो गया है यहाँ पर, उम्र होगा उम्र, हम एक उम्र के वाकिफ हैं, तो यही जो है आपका सही राइट आंसर होगा, ये संस्मरण जो है हरिशंकर परसाई जी का माना जाता है, विकल्प नंबर आपका जो बी है भाई आपका बिल्कुल सही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर पूछा गया है 98 व विजय देव नारायण शाही के अज्ञेय के तीसरे सप्तक में कितनी कविताएं प्रकाशित हुई हैं बताइए, महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है और आप सभी का यहाँ पर सही राइट आंसर क्या होगा, मछली घर भी ये जो है पूछी जाती है, मछली घर एक इनकी एक पुस्तक थी और इसके रचनाकार पूछा जाता है मछली घर के विजय देव नारायण शाही माने जाते हैं और अज्ञेय के तीसरे सप्तक में इनकी जो है कितनी कविताएं प्रकाशित हुई हैं, तो 20 आपका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा, 20 राइट आंसर लगाते हैं, बिल्कुल सही आंसर चयन किया है विकल्प नंबर सी जिन्होंने भी बताया है उनका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा।
बहुत बढ़िया, 20 होगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 99 पूछा गया है, मोहन राकेश की कौन सी रचना उनकी मृत्यु के बाद प्रकाशित हुई है, बताइए क्या होगा सही आंसर। तो मोहन राकेश जी का जन्म ये है, उनका जन्म हुआ था 1925 में, मोहन राकेश जी का जन्म हुआ था। और मोहन राकेश की वह कौन सी उनकी जो है कहानी है जो मृत्यु के बाद बताना प्रकाशित हुई थी, तो आप सभी का यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा, 1972 में इनका जो है निधन हो गया था मोहन राकेश जी का, और इनकी वह जो नंदी कहानी है ये इनकी मृत्यु के बाद जो है प्रकाशित हुई थी। विकल्प नंबर आपका 3 यहाँ पर सही आंसर होगा। पराई डाल पर पंछी रचना के रचनाकार कौन माने जाते हैं, अमरकांत हैं या फिर कृष्णा सोबती हैं या फिर नागार्जुन हैं या फिर अज्ञेय हैं। अमरकांत 1925, इनका भी जन्म जो है 1925 में हुआ था अमरकांत जी का, और इनका जो है वास्तविक नाम पूछा जाता है तो श्रीराम वर्मा इनका वास्तविक नाम है, और अमर पराई डाल पर पंछी के रचनाकार पूछा है तो अमरकांत इन जो है यहाँ पर सही आंसर होगा। बिल्कुल सही राइट आंसर है विकल्प नंबर 1 जिन्होंने भी चयन किया है उनका सभी का सही राइट आंसर होगा। बहुत बढ़िया, अमरकांत को साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था इनके लिए, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था इन्हीं हथियारों से, इस रचना पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। बिल्कुल सही राइट आंसर है, बहुत बढ़िया, महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे आज की क्लास में अपने यहाँ पर। तो सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक अवश्य करके जाइएगा, सभी लोग जिन्होंने लाइक नहीं किया है अभी तक लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। रोज रात्रि में अपनी एक क्लास होती है और एक सुबह 9 बजे भी क्लास होती है, तो उससे भी जुड़ा करें। स्टूडेंट केयर यूट्यूब चैनल पर एक आपको शाम को 4 बजे भी एक क्लास होती है, तो उससे भी आप लोग जो है सभी लोग जुड़ा करें। 10 बजे अपनी तो रोज होती है इसी चैनल पर, सुबह 9 बजे होती है इसी चैनल पर। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, लाइक करें शेयर करें। यहाँ पर हिंदी साहित्य में 215 कवियों का लेखकों का जीवन परिचय लेकर आए हैं एक टेस्ट सीरीज के माध्यम से, 299 रुपए में आप भी परचेस कर सकते हैं। 4700 इसमें प्रश्न होंगे, ये नंबर दिया गया है इस पर आप संपर्क कर सकते हैं, और हिंदी साहित्य का ये वाला ऐप आपको डाउनलोड करना है जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, डाउनलोड कीजिएगा। और सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, रमा जी, रोज सिंह जी, ललिता जी और सैलू जी और रीमा जी, आरती जी, विनोद जी, तन्मय जी, तनु जी, युक्ति जी, छवि शंकर जी, और यहाँ पर रजनीश जी, कार्तिक जी, अभी जी, बिल्कुल लखविंदर जी और नीतू जी, नीता कुमारी जी, सतीश जी, भावना जी, कार्तिक जी, राधिका जी, सतीश जी, मंजू यादव जी, मीना, मीना जी और प्रियंका जी, कन्हैया लाल जी, अभी जी, तन्मय जी और मंजू मैनपुरी जी, संगीता जी, आरती वर्मा जी, विनोद कुमार जी, नीता कुमारी जी, आरती वर्मा, बिल्कुल बहुत बढ़िया, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रोज इसी तरह से सभी लोग जुड़ा करें। सतीश जी, रोज रात्रि में 10 बजे होती है अपनी क्लास। और रमा शर्मा जी, तो सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। विनोद जी, युक्ति जी, छवि शंकर जी, स्वारा बिस जी, बिल्कुल तन्नु जी। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, रोज सुबह एक क्लास होती है तो उससे भी जुड़ा करें, 9 बजे सुबह होती है तो उससे सभी लोग जुड़ेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, सभी के लिए शुभरात्रि और जय हिंद।